टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हम पोटेंशियल एनर्जी तो कर चुके हैं, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल चुके हैं, ये इधर देखिए। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब वी वेलोसिटी कितनी ले रखी है हमने यहाँ पे, वेलोसिटी है डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी की वैल्यू है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर देंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, वन बाई टू एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब देखो एम ओमेगा स्क्वेयर को हम क्या पुट कर देंगे, एम ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू के, के इज कार्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारी, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वेयर क्या आ जाएगा के, और इनटू ए, और कोस स्क्वेयर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, जो कोस स्क्वेयर ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वन बाई टू के ए इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई ए, ये निकल जाएगी वैल्यू। तो साइन ओमेगा टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वाई बाई ए। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये ए स्क्वेयर था स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, हमने यहाँ पे स्क्वेयर किया है ना, तो ए का भी स्क्वेयर होगा, तो स्क्वेयर से बाहर ए स्क्वेयर आ गया। जो काइनेटिक एनर्जी है किसके इक्वल आ गई, वन बाई टू के, ए स्क्वेयर को अंदर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर और अपोन ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, वन अपॉन टू के ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। के को हम फिर से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वेयर भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आई थी, हाफ एम ओमेगा, ये वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे हम, वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर कॉमन है यहाँ पे, कॉमन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर कॉमन है यहाँ से। अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है तो ए स्क्वेयर माइन, यहाँ पे हम मतलब कि क्या पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वाई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वाई स्क्वेयर क्योंकि स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगी, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू तो बाहर ही है, ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वेयर बाहर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल आ जाएगा, क्या आ गई हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जो वन अपॉन टू एम ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे हम, ओमेगा होता है टू पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड को हम फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिख लेंगे, टू पाई बाई, ये टाइम पीरियड है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, तो वन बाई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी फ्रिक्वेंसी, तो ये आ जाएगा टू पाई वी, वी क्या है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी है, तो स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर देंगे इंटू ए स्क्वेयर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू एम इंटू फोर पाई स्क्वेयर वी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, टू से टू कैंसिल हो गया, ये आ गया टू एम पाई स्क्वेयर वी स्क्वेयर ए स्क्वेयर,
ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।